हेलो, वेलकम टू प्रगति वाल। मैं हूँ प्रगति, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा फेस वॉश, जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि कोई ऐसा फेस वॉश बताइए जो रिजनेबल प्राइस में हो, पर स्किन में जितने भी स्पॉट हैं उनको रिड्यूस करें और स्किन को ब्राइटनिंग बनाए। और आज मैं ऐसे ही फेस वॉश लेके हूँ जो स्किन के जितने भी स्पॉट हैं उनको रिड्यूस करे और स्किन को ब्राइटनिंग बनाए, रिजनेबल प्राइस में है तो इजीली आप बाई कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और ये फेस वॉश है गुड वाइब्स की पपिया ब्राइटनिंग फेस वॉश, जो 120 ml की, इसकी प्राइस 205 rupees की है, पर purple.com में आपको ऑफर में मिल जाएगी 166 rupees की मिल जाएगी। और ये इसकी सेल्फ लाइफ 2 years की है, पैराबिन फ्री है, मिनरल फ्री है और नो एनिमल टेस्ट है। और इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पपिया, और पपिया हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। जब हमारे स्किन में कुछ भी स्पॉट होता है, चाहे पिगमेंटेशन की, एक्ने की हो या टैन पड़े स्किन में, तो हम क्या करते हैं, पपिया फेशियल करते हैं, पपिया फेस मास्क लगाते हैं, तो पपिया हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो पपिया है, उसके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी बहुत इसमें अच्छी हैं। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन की गई है। इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जो फर्स्ट है ग्रेपसीड ऑयल, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं। सेकेंड है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को कॉम्प्लेक्स को ब्राइट बनाता है। थर्ड है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। फोर्थ है इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। यदि आपकी स्किन में टैन पड़ी है तो ये रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग बनाएगा, आपकी स्किन में जितने स्पॉट उनको रिड्यूस करेगा। ये ऑल टाइप स्किन वाले इसे यूज कर सकते हो। और पपिया है तो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग बनाएगा। ये रेगुलरली आप इसे यूज करोगे ना तो आप देखो कि आपकी स्किन ब्राइट लग रही है। और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिली, पर आपको इसको कंटिन्यू यूज़ करना है। मैं इसे हमेशा मॉर्निंग में इसे यूज़ करती हूँ, और कंटिन्यू आप इसे यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट आएगी। 1 month पे आप देखोगे कि आपकी स्किन ब्राइट लगने लगी है। और इसकी जो बोतल है ये प्लास्टिक बोतल से आती है, इस तरह की पंप आती है, जो इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं भी आप इसको कैरी करके ले जाओ। और ये बहुत थिक है और जेल बेस है। मैं आपको इसको अप्लाई करके आपको अपने हाथ पे दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये जेल बेस है और थिक है। आप आराम से इसे अप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा झाग फॉर्मिंग नहीं करेगी, पर डीपली आपकी स्किन को क्लीन करेगी और बहुत अच्छे से ये नरिशिंग करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन को लाइटिंग। रेगुलरली आप यदि इसे यूज़ करते हो 1 month या 2 month, तो आप देखोगे आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट लगेगी। फेस वॉश करने के बाद ही आपको थोड़ी सी ब्राइट लगती है, और कंटिन्यू आप करोगे तो स्किन बहुत ही ब्राइट लगेगी, आपकी स्किन में जो स्पॉट है उनको रिड्यूस करेगी। तो मैं इसे अभी अपने स्किन में अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अपने फेस को वेट करके आना, और वेट करके आने के बाद आप इसे अपने फिंगर्स में थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इस फेस को अपने स्किन में अप्लाई करना है। ये जेल बेस फेस वॉश है, जिससे इसे झाग और फॉर्मिंग ज़्यादा नहीं होगी। और इसे आपको हल्के फिंगर टिप से अपने सर्कुलर मोशंस में फेस वॉश करनी है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मैंने अभी तो बताया ये पपिया है, तो पपिया जो आपकी स्किन में जितने भी स्पॉट है ना उनको रिड्यूस करेगी। ग्रेपसीड ऑयल है जो डीपली क्लींजिंग करेगी, और मरमेरी एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है। जब आप इसे फेस वॉश को कंटिन्यू करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन ब्राइटनिंग लग रही है। तो अभी मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, फेस को मैं क्लीन करके आती हूँ, और करने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस को अच्छे से मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है, धो के आई हूँ बिल्कुल, और मैंने अपने स्किन में कुछ भी अप्लाई नहीं किया। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी क्लीन लग रही है और कितनी ब्राइट लग रही है। आज मैंने आपके साथ शेयर की कि गुड वाइब्स की पपिया फेस वॉश, और आज की रिव्यू आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए, हेल्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए या है स्किन टिप्स चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय और नमस्ते।